मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम केमिस्ट्री में जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला या मोनोपाथिक सूत्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए, हमारा टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो रासायनिक समीकरण वो होती है जब भी हम कोई केमिकल पदार्थ को आपस में मिलाते हैं या केमिकल रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हो, जब वो रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और जिसको हम एक रिएक्शन के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए हमने दो जो है कोई सब्सटेंस दिए कोई पदार्थ के लिए, एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ क्या है बी, हमने उनको दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद में उनमें रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बनने के बाद में उनका फॉर्मेशन चेंज हो गया। ठीक है, जबकि उसमें उसके न तो एटम्स चेंज होते हैं, उसके एटम्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एक अदर नए प्रोडक्ट में या न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं सी और डी। अब ये सी और डी क्या है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, केमिकल के थ्रू किस तरह से लिखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस किस तरह से होती है, उसमें क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या रिएक्टेंट होते हैं, उनको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, मेथड फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां है ना, या विधि क्या है, मेथड फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जो है उसको लिखने की विधि क्या है, किस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कि रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्टेंट किसको कहते हैं, हमारा ये एक केमिकल पार्ट है ए और दूसरा केमिकल पार्ट है बी, ये दोनों हमारे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, जब क्रिया कर रहा है रिएक्ट कर रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, क्रिया कर रहा है इसलिए इसको हिंदी में बोलेंगे क्रियाकारक, या फिर उसको अभिकारक भी बोल सकते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, क्रियाकारक, क्रिया कर रहा है क्रियाकारक या अभिकारक, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड होता है रिएक्शन कर रहा है इसलिए रिएक्टेंट, तो ये दोनों क्या हुआ, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल इक्वेशन आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो उनको हम कहां लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट मतलब बाई साइड लिखते हैं। ठीक है, और अगर जो रिएक्टेंट है केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो अगर हमारे एक से ज्यादा होते हैं तो हम उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में हम बिटवीन में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जो अभिकारक है वो केमिकल रिएक्शन का एक बहुत बड़ा भाग होते हैं, और जब उनको लिखते हैं तो उनको कहां लिखते हैं, बाई साइड में लिखते हैं, और दोनों रिएक्टेंटों के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट निर्मित होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहां लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, ये सी और डी। ठीक है, हमने लिख दिया, फिर एंड प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में भी क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट कहां हो गया, राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों को तो लिखा, लेकिन इनके बीच में हमने कुछ भी नहीं लगाया है, किस तरह से रिएक्टेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि कोई भी क्रियाकारक है कोई भी अभिकारक है, ये क्रिया कर रहा, क्रियाकार के बाद में क्या बना रहा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उत्पाद, है ना। अगर हम अभिकारक लिखते हैं तो अभिकारक से बनता है उत्पाद, और क्रियाकारक अगर इनको लिखते हैं तो क्रियाकारक से बनेगा क्रियाफल। इंग्लिश में सिर्फ एक ही होता है रिएक्टेंट, और बनने वाला जो होता है फॉर्मेशन जिसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, जो फॉर्म्ड होता है रिएक्टेंट के थ्रू, क्या होता है, जिसका फॉर्म्ड होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब
थर्ड पॉइंट देखिए, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइन इज इक्विलिटी, ठीक है, और देन एरो इज प्लेस्ड। जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के साइन कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं, और उनके साइन को इक्वली करने के लिए या तो हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, या फिर इक्वल का साइन न लगाते हुए एक एरो के साइन के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इट शो द डायरेक्शन इन विच ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस। ये जो हमने एरो का साइन लगाया है, ये तीर का जो चिन्ह लगाया है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये तीर का चिन्ह इस चीज को शो कर रहा है कि प्रोडक्ट किस दिशा में हो, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, कि ए और बी का फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी और डी में, कि ए और बी मिलकर जो है क्या बना रहा है, सी और डी बना रहे हैं, ये इसको प्रोसीड करता है। अगर यही एरो का साइन हमने, मतलब अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, आगे की तरफ हो रही है, ठीक है, आगे की तरफ हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, अग्रभिक्रिया, है ना, और फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैक आ रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये अगर यही रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब हमारा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बैक हो रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन, और आगे जा रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को हम इस तरह से शो करते हैं, या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो इन दोनों को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, या तो एरो के साइन के द्वारा। अब ये एरो का साइन हमने डबल लगाया, तो जब हमारे दोनों इक्वेशन एक साथ होती है तो हम इस रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए ये ए प्लस बी है और दूसरा है सी प्लस डी, है ना, अगर हमारे दोनों प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ऐसी दशा में हम दोनों जो है रिएक्शन को डबल एरो के साइन के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे क्या बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह हमको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट किसको जो है, एरो का साइन क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। फिर आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म ऑफ देयर मॉलिकुलर फॉर्मूला और सिंबल। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटिक इक्वेशन। जितने भी जो रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो उनकी कुछ टर्म्स होती है और उसके अकॉर्डिंग उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले और सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे कि देखिए एक रिएक्शन है, मैंने कॉपर लिया और ऑक्सीजन लिया, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, और ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO बन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक प्रोडक्ट हो, तो कॉपर ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, इसलिए वो क्या हो गया, ए होके हमने उस साइड में लिखा, मतलब तांबा जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कॉपर का एक ऑक्साइड बनाता है। जनरली इसके लिए आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पर जब जो है क्या होता है, नमी में, या जब उनको पानी रखते हैं, इनमें रखते हैं, या थोड़े से उस पर ऑक्सीजन से क्रिया होती है, क्योंकि वायुमंडल में या एटमोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब वो उससे रिएक्टेंट करती है तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है, ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो लेयर ग्रीन कलर की होती है कॉपर ऑक्साइड की। जो हरे रंग की परत हमारे बर्तनों पर जम जाती है वो क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। तो एक क्रिया हो गई जो हम जनरली घरों में देखते ही है। तो रिएक्शन इसी तरह से हो गई कि तांबे के बर्तन है, उन पर ऑक्सीजन ने क्रिया करी और हरे रंग की जो परत बनाई वो कॉपर ऑक्साइड की बनी थी। तो इस तरह से हमने रिएक्शन को लिखा, ठीक है। अब लेट्स नाउ देन, नाउ ऑन द बोथ साइड ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी और एन एरो द नंबर ऑफ एटम आर मेड इक्वल। मतलब चाहे कि आप भी दोनों साइड, चाहे केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों संख्या में, दोनों एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में जो एटम्स हैं उनके एटम्स के जो नंबर है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ द एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दोनों साइड में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही साइड में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये जो रिएक्शन हम देखते हैं वो रिएक्शन है, उसका क्या होता है, केमिकल ढांचा होता है, एक रासायनिक जिसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण का ढांचा होता है, और इस तरह से जो समीकरण बनकर तैयार
तैयार होती है, संतुलित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब समीकरणों को संतुलित किस तरह से किया जाता है, ये तो हो गया हमारे इसके रूल्स पढ़ लिए, लेकिन इन रिएक्शंस को बैलेंस किस तरह से करेंगे हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि कौन से रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अभी हमने जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के कुछ रूल्स पढ़े हैं, अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, जो है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अब अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, कैसे संतुलित करना है, कैसे बराबर करना है, तो जैसे अभी हमने रूल्स में पढ़ा, ये एक हमारी इक्वेशन है Na plus H2O एरो NaOH plus H2, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे ये दो है, जिसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा, ये दोनों क्या होगा रिएक्टेंट, और इधर जो राइट हैंड साइड में लिखा है, ये दोनों हमारे क्या होगा प्रोडक्ट। दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन लगाया है, और रिएक्टेंट के बीच में भी हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है, मतलब अभिकारकों के बीच में भी हमने धन का चिन्ह लगाया है और उत्पादों के बीच में भी धन का साइन ही लगाया है, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, जब दो रिएक्टेंट बन रहा है तो बनने वाले दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्रिया हो रही है, किस तरह से रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद में बनने वाले पदार्थ या सब्सटेंस कितने टाइप्स के होंगे। दोनों को इक्वली करने के लिए हम एरो का साइन लगाते हैं, एरो का साइन सिर्फ सिंगल लगा रखा है मैंने, इसका मतलब है कि सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब अभिकारक से सिर्फ उत्पादों का ही निर्माण हो रहा है और क्रिया प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही बार में ये वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना रहे, ठीक है, ये सिंगल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब जब ये सिंगल रिएक्शन हो रही है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब रिएक्शन हो रही है, अब हमको क्या करना है, हम हमारे फिर से उस पर आते हैं कि हमको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। अब रिएक्शन को बैलेंस करना, तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि आइटम्स की जो है नंबर ऑफ द आइटम दोनों साइड में बराबर रखते हैं, परमाणुओं की संख्या दोनों ही साइड में बराबर होगी, अगर हमारे संख्या परमाणुओं की बराबर नहीं है तो हम सभी क्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जिससे दोनों साइड जो है आइटम्स के नंबर क्या हो, बराबर हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अब कैसे करेंगे, इसके पहले आप 10th क्लास में भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीख चुके हैं, अब फिर से देखिए किस तरह से, अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ हमारा एक एटम्स है, किसका है, Na, सोडियम का एक एटम है, और यहाँ भी एक सोडियम का एटम है, दोनों का देखो, अगर आप इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसके पीछे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसमें जो परमाणुओं की संख्या वो कितनी है, एक है ना, एक एटम्स है इसमें, इधर भी और इस साइड में भी देखिए एक ही एटम्स है। अब दूसरा हमारा आइटम कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन। अब चूंकि देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन पीछे कितना आइटम लिखा है, टू, तो ये टू होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम से, एक तो यहाँ पर है, क्योंकि हम प्रोडक्ट के सारे प्लस करेंगे, एक इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब वन है, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब टू ये है और वन ये, टोटल जोड़ोगे आप कितने हो गए, थ्री हो गए। इधर कितने हैं, टू है, मतलब हमारी हाइड्रोजन के जो एटम्स की संख्या है वो बैलेंस नहीं। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी क्या है, एक, तो सबसे बैलेंस है हमारी, सिर्फ क्या है बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस की है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम चाहें तो हम इस H2O क्या के टू लगा देते हैं, H2O क्या के हमने जैसे ही टू लगाया तो हमारे ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या या ऑक्सीजन एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ द एटम्स हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के चेंज हो गए, जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या परिवर्तित हुई, हमने देखा कि ऑक्सीजन के आगे क्या है, दो है, क्यों दो, भैया ऑक्सीजन की संख्या क्यों परिवर्तित हुई, क्योंकि एक ये पूरा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और ये कंपाउंड पूरा का पूरा H2O जो है, ये H2O की पूरी की संख्या बदलेगी, अगर हम जो भी बैलेंस करते तो हमने फिर आप सोचते हो ये पीछे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कभी भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त जो भी हम आइटम्स लगाएंगे उनकी संख्या सब हमेशा कहां जाएगी, फ्रंट पर, जो कंपाउंड होगा उसके फ्रंट पर जाएगी, बैक साइड में कभी भी नहीं लगाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर भी अब जुड़ेगा तो सब में जुड़ेगा, प्लस होगा, एडिशन होगा, हाइड्रोजन के भी जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के भी, अगर हाइड्रोजन के दो ऑलरेडी थे तो टू में टू का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू को
दूसरा क्या हो गया फोर, मतलब चार ये हुए। अब इधर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, टू ये, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बैलेंस गड़बड़ा गया था, इसके आगे भी हम क्या लगा देते हैं टू। अगर हमने इसके आगे भी टू लगा दिया तो आप देखो यहाँ ऑक्सीजन टू हो गई, हाइड्रोजन टू, और ये टू कितना हुआ फोर, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। पर हमारा एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो सोडियम एटम है वो सोडियम एटम से जो है नंबर चेंज हो गए, यहाँ पर टू है यहाँ पर वन है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे भी टू लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे केमिकल इक्वेशंस को हमको क्या करना है बैलेंस करना है। फिर से समझ लीजिए, हमने सबसे पहले एक एक एटम्स के नंबर देखे, यहाँ सोडियम का देखा, यहाँ सोडियम का, फिर हाइड्रोजन का देखा, फिर ऑक्सीजन का देखा। बैलेंस करने के लिए हमने सिर्फ इस हाइड्रोजन के आगे टू लगाया था, तो ये टू टू का फोर हो गए। अब देखो यहाँ पर हर चीज बैलेंस हो गई, टू सोडियम, ये टू सोडियम, ये टू टू का फोर हाइड्रोजन, ये देखो टू और ये टू फोर हाइड्रोजन हो गई। अब ऑक्सीजन को देखो टू, ये ऑक्सीजन टू, मतलब इस तरह से क्या हो गई बैलेंस। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। आपको अपनी कॉपी में पहले अनबैलेंस इक्वेशन लिखना है, फिर बैलेंस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये हो गई आपकी टू एन ए ओ एच प्लस, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आपकी रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन क्या है, यहाँ पर कॉपर का एक है, कॉपर जो है इसको से फोर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है कॉपर सल्फेट H2O SO2। मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक से दो भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से रिएक्टेंट भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, वन टू और मोर देन टू, ठीक है, तो हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, यहाँ कॉपर है यहाँ भी है, फिर हाइड्रोजन देखिए टू, यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए टू, सल्फर वन, ये भी सल्फर वन। अब ऑक्सीजन का बैलेंस देखिए, यहाँ पर फोर है सिर्फ, कहा प्रोडक्ट के रूप में। अब रिएक्टेंट मिले फोर वन फाइव और सिक्स सेवन, कितना हो रहा है सेवन। अब हम अगर क्या करें कि ये सब हमारा बैलेंस हो जाए, इस बैलेंस रिएक्शन को करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ है हमारे इसी में है, तो हमको जो बैलेंस करना होगा वो यही करना पड़ेगा, इधर तो है ही नहीं कॉपर में। अब देखो क्या हो गया, टू लगाया तो फोर टू जा एट, अब जैसे ही हमने इसमें टू लगाया तो क्या हो गया हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ हो गई। अब हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर की भी हो गई, देखो सल्फर के कितने हो गए टू, तो हम इधर भी आकर क्या लगा देते हैं सल्फर के आगे टू लगा देते हैं, ठीक है। सल्फर के टू हमारे इक्वल हो गए, इधर कॉपर टू हो रहा है, इधर भी हम कॉपर पे टू लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो सल्फर टू हो गया, कॉपर टू हो गया, ऑक्सीजन तो फोर टू सा एट, है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया टू टू सा फोर, यहाँ हाइड्रोजन के आगे में टू लगा दो टू टू सा फोर हो गया, ठीक है। सल्फर तो ऑलरेडी टू हमारा था, सल्फर पे अगर बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। ये सल्फर टू है, ये सल्फर वन और ये वन सल्फर के अंदर टू। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, कॉपर को देखा ये सिंगल है ये भी सिंगल है, ठीक है। फिर देखो हमने सल्फर को देखा टू है ये वन, क्योंकि एक सल्फर डाइऑक्साइड भी तो है तो हो गया दो बराबर। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो दो टू ना चार, टू टू सा हो गया टू टू सा फोर हो गया। अब ऑक्सीजन का बैलेंस देखिए फोर टू सा एट, फोर और ये टू सिक्स और टू एट बराबर हो गए, बैलेंस हो गए दोनों इक्वेशन। तो इस तरह से हमको इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है। केमिस्ट्री की शुरुआत ही इक्वेशन को बैलेंसिंग से होती है, इसलिए आपको क्या करना है इक्वेशन को बैलेंस करना है। थर्ड रिएक्शन देखिए, लेड ऑक्साइड है, लेड नाइट्राइड है, लेड नाइट्राइड जो रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। पीवी का एक एक है यहाँ भी एक। अब जब NO3 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हमारा ब्रैकेट क्या होगा खुलेगा, खुलेगा ब्रैकेट खुलेगा मतलब नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के थ्री टू का सिक्स हो गए। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ कितनी है टू, यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है वन, इसके आगे हम टू लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन देख लीजिए थ्री टू का सिक्स और यहाँ पर देख लो टू टू का फोर फाइव सिक्स सेवन हो रहा है, कितने हो रहा है सेवन। अब हमारा ये बैलेंस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम इसके आगे क्या लगा देते हैं टू लगा देते हैं। जब हम इसके आगे टू लगाएंगे तो लेड हो गया हमारा कितना टू, तो हम इसके आगे भी लेड के आगे भी क्या कर देते हैं टू लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नाइट्रोजन कितना हो रहा है टू और टू इसमें मल्टीप्लाई कर देते टू टू क्या हो गया फोर हो गया, तो हमारा वहां नाइट्रोजन कितना है सिर्फ टू है, तो हमारे टू से बैलेंस हो रही क्या नहीं हो रही है। तो इसलिए
फोर मॉलिक्यूल्स लगा दिए, क्या करेंगे फोर मॉलिक्यूल्स कर दिए, हो गया नाइट्रोजन बैलेंस टू, और ये टू का इसमें मल्टीप्लाई कितना आ गया टू टू था फोर, फोर नाइट्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए थ्री टू था सिक्स, और सिक्स का टू में मल्टीप्लाई करो, सिक्स टू था क्या हो जाएगा ट्वेल्व। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है टू, यहाँ फोर टू था एट, एट हो गए एट और टू टेन और टू ट्वेल्व, यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो इस तरह से हमारी ये भी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब अगले देखते हैं कैसी है थ्री प्लस एरो कैसी है प्लस ओ टू, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पोटेशियम एक है पोटेशियम एक, सी एल एक सी एल एक, ऑक्सीजन तीन है यहाँ पर, दो है कुछ भी मत करो, इसके आगे थ्री लगा दो, इसके आगे टू लगा दो, थ्री टू जा सिक्स है, ये टू टू जा सिक्स हो गया। लेकिन हमारे क्या बैलेंस गड़बड़ हो गया केसीएल, इस केसीएल के आगे मैं टू लगा दूंगी, सब बराबर पोटेशियम टू सी एल टू, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन और थ्री टू जा सिक्स उधर टू ऑक्सीजन। इसको देखिए नेक्स्ट वाली सी एच सी टू एच टू प्लस ओ टू सीओ टू एच टू, कार्बन कितने हैं दो, यहाँ पर कार्बन का एक है ना, हाइड्रोजन दो इधर बराबर है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, कार्बन क्या दो लगा लो ठीक है, हो गए बैलेंस, कार्बन क्या दो लगाया था हमने, अब हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो है इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू टू जा फोर और वन फाइव, और यहाँ पर कितना हो रहा है टू है और यहाँ पर कितना है फोर, अभी बैलेंस नहीं हुई है, फिर हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ेंगे, टू से नहीं हो रही है हम क्या करेंगे इसके आगे फिर टू लगा, इसके आगे टू लगाया टू टू का क्या हो गया फोर, तो कार्बन यहाँ पर कितने हो जाएंगे फोर लगा लो, ये फोर लगा है फोर सी टू हो गया ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया टू इंटू टू, टू टू सा फोर, अब यहाँ इसके आगे टू लगा लो, टू टू सा फोर हो गया, अब ऑक्सीजन देख लो आप बैलेंस करके ठीक है। अब चार गुना आठ मतलब फोर टू सा एट और टू कितना हुआ टेन, ऑक्सीजन कहा यहाँ पर इसके आगे फाइव लगा तो फाइव टू जा टेन हो गए बैलेंस, देख लो फिर से टू टू फोर फोर कार्बन, फिर टू टू सा फोर हाइड्रोजन, दो गुना चार या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो पांच गुना दस, ये फोर टू सा एट और टू टेन, ये फाइव टू जा टेन बराबर हो। तो इस तरह से आपको सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब केमिकल इक्वेशंस के दो रिएक्टेंट होती है, एक तो होती है हमारी सिंपल जो है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना, जिसको हम ये विधि हमने नोट की है, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, या हिंदी में जिसको कहते हैं अनुमापन विधि, और दूसरी होती है पार्शियल इक्वेशन, या जिसको हम आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। वो आंशिक समीकरण विधि क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।